नमस्कार साथियों, मैं ऋतिक यादव आपकी समक्ष एक बार फिर हाजिर हो चुका हूँ एक और नया वीडियो लेकर। ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, प्रमुख शब्दावलियों से और उनसे संबंधित उत्पाद से। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया गया है, एपीकल्चर किससे संबंधित है। बिल्कुल काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगर बात करें एपीकल्चर की, तो व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन। देखिए, शहद उत्पादन, अगर मैं बात करूं शहद उत्पादन, तो शहद किससे निकलता है भाई, मधुमक्खी से निकलता है। तो इसको एक तरीके से मैं इनडायरेक्टली ये भी बोल सकता हूं, मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर किससे संबंधित है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है, एपीकल्चर आपसे पूछा जाएगा किससे संबंधित है, तो आंसर होगा मधुमक्खी पालन। दूसरा क्वेश्चन, एविकल्चर किससे संबंधित है। तो देखिए, एविकल्चर की अगर बात करें तो पक्षी पालन से संबंधित है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के पक्षियों का जो पालन किया जाता है, वही क्या कहलाता है, एविकल्चर। आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ काफी सारे बर्ड्स आपको अलग अलग प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, और इन सारे के सारे बर्ड्स का जो हम पालन करते हैं, पक्षियों का पालन ही, वो क्या कहलाता है, एविकल्चर। अगला पॉइंट, एक्वा कल्चर किससे संबंधित है। तो एक्वा कल्चर की अगर बात करें, तो एक्वा कल्चर संबंधित है जलीय जीवों से। देखिए, जितने भी जलीय जीव हैं, उन सबको एक जगह एकत्रित करके जो पालन किया जाता है उन्हीं का, वही क्या कहलाता है, एक्वा कल्चर। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये बड़ा सा समुद्रों में ये जो गोल गोल सर्कल्स आप देख रहे हैं, इन्हीं के अंदर क्या है, जलीय जीव मौजूद है। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 4, एल्गा कल्चर। एल्गा कल्चर किससे संबंधित है। तो देखिए, बात करें एल्गा कल्चर की, तो शैवालों की कृषि, शैवालों की कृषि यानी कि एल्गी, शैवालों की कृषि को ही क्या कहते हैं, एल्गा कल्चर। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये सब पानी में से जो शैवाल मौजूद है, ठीक, जो शैवाल मौजूद है उन्हीं को उठा करके इस बकेट में भरेंगे, और इसी की कृषि को क्या कहते हैं, एल्गा कल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पीसी कल्चर, डायग्राम से ही समझ गए होंगे आप लोग। पीसी कल्चर की अगर बात करें, तो ये किससे संबंधित है, ये मत्स्य पालन यानी कि मछली, फिश, मछली पालन से ही संबंधित है क्या, एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कृषि से संबंधित है। आप सभी को पता है एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान है, तो बिल्कुल ये आप देख सकते हैं कृषि से संबंधित है क्या, एग्रीकल्चर। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 7, सेरीकल्चर, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है सेरीकल्चर के बारे में। सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो देखिए, सेरीकल्चर रेशम, कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट जो होता है, रेशम का जो इंसेक्ट होता है, उसी के पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है, ये रेशम का कीट है जिससे रेशम की प्राप्ति होती है, और इस पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। अगला बेहद इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा, सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है। तो अगर हम लोग बात करें सिल्वी कल्चर की, तो सिल्वी कल्चर संबंधित है वन संवर्धन से, ठीक, यानी कि फॉरेस्ट से संबंधित है क्या हमारा सिल्वी कल्चर। अगला, स्पंजी कल्चर किससे संबंधित है। तो देखिए, स्पंजी कल्चर की बात करें, तो ये स्पंज यानी कि, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ आपको, रसगुल्ला, रसगुल्ले को अगर आप जोर से दबाएंगे तो उसका रस सारा का सारा बाहर निकल जाएगा, वो स्पंज के रूप में आपके हाथ में रह जाएगा। बिल्कुल, समुद्र में ऐसे ही कुछ जीव होते हैं कुछ इस प्रकार के, ये क्या है, ये स्पंज है, ये आप देख सकते हैं, ये जितने भी लगे हुए हैं ये क्या है, स्पंज, और इनका क्या किया जा रहा है, कल्टीवेशन किया जा रहा है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्पंजी कल्चर। अगला, फ्लोरी कल्चर किससे संबंधित है। तो फ्लोरी कल्चर की अगर बात करें, ये देख सकते हैं, ये जनाब काफी सारे फूलों को एक जगह एकत्रित करके ही बैठे हुए हैं, तो फूलों की खेती या पुष्प कृषि ही क्या कहलाती है, फ्लोरी कल्चर। बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगला बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जाएगा, बताएं ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है। तो ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है, सब्जियों की कृषि, ठीक, वेजिटेबल्स, सब्जियों की कृषि ही किससे संबंधित है, ओलेरी कल्चर। आपसे पूछा जाएगा सब्जियों की कृषि को क्या कहते हैं, ओलेरी कल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अर्बोरी कल्चर, अब ये क्या है नया, अर्बोरी कल्चर किससे संबंधित होगा। तो बिल्कुल, अर्बोरी कल्चर किससे संबंधित होगा, वृक्षों और झाड़ियों की कृषि से संबंधित ही क्या है, अर्बोरी कल्चर। ये भाई साहब देखो कहां पर जाकर के चढ़ गए हैं, इनको जमीन पर जगह नहीं मिली थी, इसीलिए ये और भी ज्यादा ऊपर जाने की सोच रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है, हॉर्टिकल्चर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, काफी बार पूछा जा चुका है
हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो बिल्कुल बागवानी कृषि से संबंधित है। क्या? हॉर्टिकल्चर। ये देख सकते हैं आप लोग, ये क्या पूरी की पूरी बागवानी लगाई हुई है यहाँ पर, यही क्या है? हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन नंबर 14, पोमोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये तो काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, फलों की कृषि ही क्या कहलाती है? पोमोलॉजी। और आप सभी के लिए, जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, आप सभी के लिए खाने का बिल्कुल प्रबंध करा दिया है मैंने। आप एक एक चीज जो आपको भी अच्छा लगे आप यहाँ से उठा करके खा सकते हैं मेरी तरफ से। अगला क्वेश्चन नंबर 15, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी किससे संबंधित है भाई? तो एग्रोनॉमी की अगर बात करें तो एग्रोनॉमी है फसलों की खेती। डिफरेंट प्रकार की जो क्रॉप्स होती हैं उनकी खेती को ही क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी। ठीक। आगे वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो अगर बात करें वर्मी कल्चर की, तो वर्मी कल्चर संबंधित है केंचुआ पालन से। ठीक, केंचुआ पालन से। मिट्टी का दोस्त ही किसको कहा जाता है? केंचुआ को कहा जाता है। और केंचुआ पालन, ये आप देख सकते हैं, केंचुआ पालन ही क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ऑस्ट्री कल्चर किससे संबंधित है? तो ऑस्ट्री कल्चर व्यापार हेतु ऑयस्टर्स यानी कि सीपों में कृत्रिम प्रजनन के लिए ही क्या किया जाता है? ऑस्ट्री कल्चर। ठीक, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पत्थर नुमा जो पड़े हुए हैं ये सारे के सारे सीप हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, ओली कल्चर किससे संबंधित है? तो ओली कल्चर किससे संबंधित है? जैतून के उत्पादन से संबंधित है। जैतून का तेल निकाला जाता है भाई, ध्यान रखेंगे, इसी से संबंधित है क्या? ओलीकल्चर। अगला आपसे पूछा जाएगा कि बताइए हेलीकल्चर किससे संबंधित है? तो क्या होगा? घोंगे का संवर्धन ही क्या कहलाता है? हेलीकल्चर। अब ये घोंगा क्या है? बिल्कुल आप अपनी स्क्रीन पर देखें, यही क्या है? घोंगा है, और इसी का संवर्धन ही क्या कहलाता है? हेलीकल्चर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वीटी कल्चर किससे संबंधित है? तो बात करें वीटी कल्चर की, तो वीटी कल्चर संबंधित है अंगूर के उत्पादन से। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी अंगूर के उत्पादन से। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, अंगूर का उत्पादन ही क्या कहलाता है? वीटी कल्चर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मोरी कल्चर किससे संबंधित है? सहसूत की खेती ही क्या कहलाती है? मोरी कल्चर कहलाती है। सहसूत अगर आपने नहीं देखा हो तो ये आप देख सकते हैं, बहुत खाया होगा आप लोगों ने। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। सिट्री कल्चर किससे संबंधित है? देखिए सिट्री शब्द आ ही रहा है, सिट्री यानी खट्टा, यानी कि ऐसे फल जो कैसे हैं, खट्टे फल हैं, खट्टे फलों का उत्पादन ही क्या कहलाता है? सिट्री कल्चर ही कहलाता है। अगला क्वेश्चन, एरो कल्चर किससे संबंधित है? तो एरो कल्चर किससे संबंधित है? मृदा विहीन पादप, यानी कि ऐसे पादप जिनको मृदा के बिना ही क्या किया जाता है? उनका संवर्धन किया जाता है। ये नई टेक्नोलॉजी, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं, मृदा के बिना ही इनका क्या किया जा रहा है? संवर्धन किया जा रहा है, यही क्या है? एरो कल्चर। अगला आपसे पूछा जाएगा कि बताएं, आपके लिए यहां पर मैं एक क्वेश्चन छोड़ करके जा रहा हूं, आप मेरे को बताएंगे कि साइटोलॉजी किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट के लिए मैं छोड़ करके जा रहा हूं, आप मेरे को बताएंगे साइटोलॉजी किससे संबंधित है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आशा करते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा श्योरिटी के साथ। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।